सही है, जिसको कोई पुत्र भी नहीं है और पुत्री भी नहीं है, जैसे वाजपेयी का भी नहीं था, उनका खट्टर साहब का भी नहीं है, वो इनका भी नहीं है, मोदी जी का भी नहीं है, योगी जी का भी नहीं वो है, आज तो के वो डेट क्या कर ले, उनको क्या कर ले बताइए पंडित जी, वो क्या, वो वो आज वाला, के वो तो नरक में तो नहीं जाएंगे, डेट ऐसे पंगा तो नहीं ये है। नहीं 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 ये राजनीति नहीं है, मतलब राजनीति उनका यज्ञ करने, नहीं आपने एक अच्छा बोला था, आप भूल गए, आपने बोला वो यज्ञ करके नहीं, अपने एक बार उन्होंने जन्म देख को, देखिए मोदी जी ने, अटल जी ने, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने शादी नहीं मोदी की और बच्चा ही नहीं योगी है, ना योगी पुत्र है जी ना पुत्री मोदी जी है, ने उन्होंने संसार को अपना माना है, बिल्कुल सही है। नहीं उनको यज्ञ, यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं नहीं यज्ञ है। द्वारा तो वो अपना ये जो है इसको तो पूर्ति तो कर सकते हैं कि भाई कि नहीं वो स्वर्ग में उन्होंने चले जाए। जब वो उन्होंने एक बार बताया वो तो जो स्वर्ग में खुद ही जाएंगे, नहीं 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 वो खुद में ऐसे नहीं ऐसे जाए, कर्म से, नहीं नहीं उन्होंने ऐसे कर्म कर रहे हैं योगी जी ने, तो ऐसे जो कर्म कि वे कर्म कहते प्लस यज्ञ भी कर लेते हैं, हाँ यज्ञ भी करते यज्ञ भी हैं, करते यज्ञ हैं, बहुत ज्यादा है, जो क्योंकि योग और यज्ञ हमारे सनातन धर्म में बहुत ही जरूरी बहुत है, ज्यादा बहुत ज्यादा, उसका तो यज्ञ, कैसे जब शादी नहीं हुआ तब यज्ञ, नहीं बुलाया। नहीं ये नहीं है, ये सही बोल रहे हैं, हम सेटिस्फाइड इस आंसर से, इस जन्म में नहीं फायदा मिला क्या पता अलग जन्म में फायदा मिले, जरूरी योगी जी एक योग पुरुष है, बहुत बहुत अच्छी, योगी जी एक योग, मोदी एक योग पुरुष है, सारे योग पुरुष है, योग पुरुष, और योग यज्ञ उनको तार कहते लेगा, तार देगा, हैं कि जब है जो है